पत्नी पिछले 2 महीने से घर से अपनी 4 साल की बच्ची को लेकर गायब है। दिव्यांशी अपनी बेटी के साथ अपने घर से हाथ में एक थैला लेकर एक ऑटो में बैठकर जाती हुई कैमरे में दिखी है। उसके बाद काफी ढूंढने के बाद भी वह आपका घर नाम पर क्या है? नहीं लौटी हमारा और नाम अभी रेनू तक है। कहाँ से आए? 2 महीने बरेली से पहले आए जो हैं, कि डोरा बारा चौराहे। चौकी चौक खाना कौन सा थाना लगता है? बारादरी। बारादरी में मुकदमा पंजीबद्ध कराया गया था, किस लेकिन अभी कदर तक जिस कदर उसमें ने आया? किसी प्रकार की भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ना ही उनकी पत्नी का कहीं अता पता है। यहाँ तक कि जितेंद्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी यूपी से भी मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिल सका। जितेंद्र ने चौकी इंचार्ज जोगी नवादा पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि चौकी इंचार्ज जोगी नवादा अभी तक हमारे घर पर एक बार भी नहीं आए, ना किसी प्रकार की कोई जानकारी हासिल की है। लड़की का पिता हूँ, तो अभी तो कोई सुराग नहीं पता चला कोई कि कहाँ पर है। कोई पता नहीं अभी चली। अकेले पड़े जब हैं भी कि हम माँ बाप जाते हैं तो नहीं साहब है। यही कहते हैं, हाँ, देख लेंगे देख लेंगे। अभी तक कोई पुलिस वाला वहां पहुंचा ही नहीं इंक्वायरी करने के लिए कि दबान के घर जाएं कि इंक्वायरी ले, मोहल्ले वालों से ही कोई पता कर ले माँ भी कहाँ है बाप क्या। नहीं उनके बाजार पास, गई कोई थी नहीं लड़की जाता है। और किडनेप कर ले गए, कोई पता नहीं, पता कौन ले गया कौन नहीं ले गया। और जिस लड़की पे शक है तो उसका नाम है संगीता, अब वो उसी से पूछताछ, हमने लिखवा दी रिपोर्ट मगर पुलिस जा ही नहीं रही है रिपोर्ट लेकर वो उससे पूछताछ करने के लिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।